कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। तो एलपी 39 सेट वाले डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 26 के सभी बेहतरीन रीजनिंग के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने लाइव। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, कह रहे ए जी 1N46NF, तो अगला क्या? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग चुनना है ना, ए जी 1946। यहां पर लगता है एक कॉमा छूट गया, NF। तो कह रहे कि अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उस पद का चयन के जिनकी श्रृंखला में शामिल नहीं है। अब ए से जी आते हैं तो ए से जी के बीच में कितना है? 3। वन और एन के बीच में कितना है? 3। 4 और 6 के बीच में कितना है बताइए? 4 और 6 के बीच में भी कितना है? 3। एन एफ के बीच में कितना है? तो एन और एफ के बीच में कितना है? 4। तो एन एफ जो है बाकियों से अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी सब में 3 लेटर बीच में है, इसमें 4 एलिमेंट बीच में है, इसीलिए ये क्या हो गया? अलग हो गया। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र श्रृंखला में आगे आएगी, इसके आगे क्या होगा? तो देखिएगा, इसको इससे कनेक्ट करें, इसको फिर इससे कनेक्ट करें, है ना। तो देखिएगा, ये 4 है तो ये 3 हुआ, अगली बार 2 होगा तो 2 तो होगा, तो जो 2 हट गया है तो ये हटा हुआ होना चाहिए अगली फिगर में, ये हट जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, मतलब ऐसा और ऐसा होना चाहिए। फिगर नंबर 3 ऑप्शन से सी, फिगर 3 ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताएं, क्लियर? अगला, एक कथन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है और 2 वाक्य है, पता करना है कि कौन उत्तर दे सकता है। कह रहे, क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फोन का प्रयोग परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है? अगर विद्यार्थी परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का प्रयोग करता है तो परीक्षा के कार्य निष्पादन, जो कार्य को होना चाहिए उसके निष्पादन को प्रभावित करता है। पहला, कह रहा है इस वर्ष परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता की संख्या अधिक है, मोबाइल फोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं, ये कहां पर मोबाइल का उपयोग करने से मना कर रहा है? तो ये मना कर रहा है कहां पर? परीक्षा में। ये भी अलग बात कर रहा है, ये भी अलग बात कर रहा है, मतलब सी नंबर आंसर चला जाएगा कि ना तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो विकल्प 1 और ना ही विकल्प 2 पर्याप्त। परीक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग से क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट क्वालिटी बच्चों का पता नहीं चल पाएगा। तो ये परीक्षा हॉल की बात कर रहा है ना, ये उससे अलग की बात कर रहा है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? कि अभिमान पतन का कारण होता है, मतलब घमंड जो होता है ना वो पतन का कारण होता है। पहला, जो गिरते हैं उनमें अभिमान होता है, तो गलत। अभिमान प्रतिकूल हो सकता है, तो बिल्कुल सही। एक अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल होता है, तो केवल अनुमान 2 निहित है, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल, यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी, यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है, मतलब पाठ्य पुस्तक अभी भी पुरानी है। तो पहला, कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, गलत। ये सिलेबस अपडेशन की बात कर रहा है, ये कह रहा औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरा, उद्योग में मौजूदा प्रचलनों का अद्यतन करने के लिए औद्योगिकी की यात्रियों का आयोजन किया जाना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, तो या तो एक या सॉरी जस्ट वेट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्य पुस्तकें, यहां पर शायद किसी कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ओके, उद्योग में मौजूदा प्रचलनों का उद्यतन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाए, यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है, तो पहला क्या कर रहा है? अच्छा, कार्यवाही दिया हुआ है, ओहो हम अनुमान समझ रहे थे। कह रहे यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया, मतलब कह रहा है कि पाठ्यक्रम को समय समय पर अपडेट किया जा रहा है
तथापि पाठ्य पुस्तकें अभी भी पुरानी है, मतलब नई चीजों को नहीं जोड़ा गया है। तो नई चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही, देखते हैं ना कि आजकल स्कूल कॉलेज में क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जाता है, बिजनेस प्लान हो या फिर एक्स्ट्रा किसी भी तरह का एक्टिविटी हो, प्रेजेंटेशन हो, उसको दिया गया है कि नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है। उद्योग में मौजूद प्रचलनों का उद्योग उद्यतन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। देखते होंगे कि आजकल टूर बनता है कि नहीं, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, क्या, ताकि नई नई चीज़ों का इन्वेंट हो सके, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लाया जा सके। क्लियर? तो दोनों पालन करता है, कार्रवाई है तो दोनों कार्रवाई। अगला, सभी लाल पीले हैं, तो एल से लाल हो गया, और सारी की सारी लाल क्या है, पीले, और कुछ पीले हरे नहीं है, तो कुछ पीला हरा नहीं है, तो इसको सेड कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है ना। पहला कह रहा है कि कुछ पीले लाल हैं, तो कुछ पीले लाल हैं ये तो सही होगा, सभी पीले हरे हैं तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक का मतलब ए, सभी पीला हरा तब होगा जब हरा के अंदर में पीला होगा। अगला, बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण हवा सभी होर्डिंग को उड़ा ले गई। बंगाल की खाड़ी में क्या आया, प्रेशर इतना आया कि तूफानों के दौरान, तेज हवा के दौरान सभी जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उसको उड़ा ले गई। पहला, हवा तेज थी, बिल्कुल सही, बिना तेज हवा के होर्डिंग्स उड़ सकता है, नहीं। दूसरा, होर्डिंग सही तरीके से नहीं लगाए गए थे, ये गलत हो जाएगा, हवा ही तेज थी कि होर्डिंग्स उड़ गए। तो सिर्फ पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ऑप्शन से ए चला जाएगा, डन। अगला सवाल, ये आपको किसमें दिख रहा है, बताइए, क्लियर सा बात है, दिख रहा है फिगर नंबर दो, फिगर दो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस नंबर, बटर का संबंध दूध से, तो दूध से बटर निकला तो किससे तेल निकलेगा, साबुन से, गलत, धान से, ग्रेन से, नहीं, बीज से या आटे की चक्की से, तो किससे, बीज से, तेल किससे निकाला जाता है, बीज से। अगला सवाल, दिए गए आरेख में त्रिकोण उन लोगों के समूह को दर्शाता है जिनके पास कार है, त्रिभुज किसको, जिसके पास कार है, वर्ग उन लोगों का समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास घर है, मतलब इन लोगों के पास घर है, वृत्त उन लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास सोना है। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, हाँ, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास कार और सोना है परंतु घर नहीं है। तो देखो, घर नहीं है तो घर को हटा दो, ना ये ले सकते हैं, ना ये, ना ये, ना ये, अब दोनों में कॉमन कौन है, चार। ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास कार भी है और सोना भी है, तो केवल और केवल चार हो जाएंगे। अगला सवाल, 19 मई 2012 को शनिवार था, तो 1 अप्रैल 2014 को क्या होगा, है ना, 1 अप्रैल 2014 को क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले आप 19 मई 2014 को क्या हो जाएगा, तो शनिवार से कितना दिन बढ़ेगा, 3 दिन, क्योंकि 2 साल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सॉरी 2 ही साल बढ़ेगा, कितने साल बढ़ेंगे, कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन, क्योंकि 12 से 13 में 1 दिन बढ़ेगा और 13 से 14 में, ठीक है, तो 2 दिन बढ़ेगा तो ये सोमवार हो जाएगा। लेकिन आपसे हमने क्या पूछा, 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा, तो ये बताइए, अप्रैल और मई, तो अप्रैल और मई में, अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है, 29 दिन, 30 दिनों का होता है एक के बाद 29, अब मई का 19, तो 7 से भाग दिए 1, 7 से भाग दिए 5, तो 5 1 कितना हो गया, 6, यहां से 6 दिन घटा दो, सोमवार में जब 6 दिन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, ऑप्शन से डी। तो हमने किया क्या, 19 मई 2012 से पहले साल में एंटर कर गए 19 मई 2014, सेम डेट हर साल एक एक दिन बढ़ता है, तो 2 साल में 2 दिन बढ़ गया, क्योंकि बीच में 29 फरवरी कभी नहीं आया, नहीं तो 1 दिन और बढ़ जाता, तो शनिवार से सोमवार हो गया। लेकिन मई का आपसे तो 1 ही अप्रैल पूछ रहा है, पीछे जाना होगा, तो कितना दिन पीछे जाना होगा, 29 प्लस 19, 7 का मल्टीपल उड़ा दिए, तो कितना बच गया, 6 दिन घटा दीजिए। अगला सवाल, यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो बाएं से दाएं कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या से पहले,
अब ध्यान दीजिए, ये टोटल है कितना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, तो 10 के बाद हाफ कर दीजिए, तो देखिएगा 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, यहाँ से हम आधा कर दिया। अब पलटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो बाएं से दाएं कितने अक्षर, कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद, कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या से, कितने अक्षर किसी अक्षर के बाद और किसी संख्या से आगे चले जाते हैं, और किसी संख्या से आगे चले जाते हैं, ये तो अक्षर अक्षर और संख्या, तो अक्षर अक्षर संख्या एक यहाँ दिखा और तो कहीं नहीं दिखा, इधर ये अक्षर अक्षर संख्या, उसके इधर से देखना चालू करिए, अक्षर अक्षर संख्या, अक्षर अक्षर संख्या एक ये है और तो नहीं है, तो कितने मिले, केवल 2 मिले, कितने मिले, तो केवल और केवल 2 मिले, कोई दिक्कत, डन। अगला, यदि x की माँ y के पिता की इकलौती बेटी है, x की माँ कौन, तो y के पिता की इकलौती बेटी है, यदि x की माँ y के पिता की इकलौती बेटी है तो y का पति, तो y का पति x का कौन है, तो y का पति x का कौन है, तो x का कौन हो जाएगा, चाचा मामा फूफा मौसा ताऊ, क्लियर। अगला, अगर आप इसको मोड़ देंगे तो ये जो S है आपको ऐसा दिखता है, पता है ना, तो ये कैसा बन जाएगा बताइए, ये पार्ट को दाएं से बाएं मोड़ना है तो ये बिल्कुल 8 बना देगा, क्या बना देगा, 8, ऑप्शन से डी नंबर, क्लियर। अगला सवाल, शहर एक्स में लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का उपयोग करती है, होंडा कंपनी जापानी तकनीक, यदि बजाज जापानी तकनीक का इस्तेमाल करते तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होगी, पहला सही होगा कि गलत होगा, जल्दी से बताइए, पहला सही कि गलत, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, शहर एक्स में दूसरे मोटरसाइकिलों की तुलना में जापानी तकनीक वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं, बिल्कुल सही, इसलिए तो बजाज की बदला क्या बिक रहा है, होंडा, क्योंकि वो जापानी तकनीक का करता है। हाँ, अगर ये भी जापानी तकनीक का उपयोग करे तो इसकी सेल बढ़ सकती है कि घट सकती है, नहीं बता सकते, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजिक है कि होंडा चल गई है तो लोग उसी को प्रेफर करते हैं, है ना, तो केवल मान्यता 2, ऑप्शन से सी। अगला, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, 3, 2, 5, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब फिगर नंबर ए बिल्कुल अलग हो जाएगा, फिगर नंबर ए बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, डन। अगला, सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए श्रीमान एक्स ने कहा, इनके पिता की पत्नी किसके, तो वाई के पिता की पत्नी, मतलब वाई की मां हो गई, इनके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी इकलौती मौसी या मामी है, मेरी इकलौती मौसी या मामी, तो एक्स यहां भी हो सकता है, या फिर एक्स यहां पर भी हो सकता है, तो यहां से इकलौती मौसी हो गई, यहां से इकलौती मामी हो गई, तो श्रीमती वाई के पति, तो श्रीमती वाई के पति ये हो गए, श्रीमती वाई के पति श्रीमान एक्स के कौन लगेंगे, चाहे यहां से जाइए चाहे यहां से आइए, क्या लगेंगे, जीजा जी लगेंगे, कौन लगेंगे, जीजा जी लगेंगे, क्लियर। चलिए अंतिम सवाल, श्री एक्स की ओर संकेत करते हुए सुश्री वाई ने कहा, श्री एक्स की पत्नी, श्री एक्स की पत्नी पता नहीं कौन, तो श्री एक्स की पत्नी सुश्री वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो वाई के पिता की इकलौती बेटी, मतलब वाई खुद
वाई के पिता की इकलौती बेटी वाई खुद, तो सुश्री वाई श्री एक्स की क्या है, तो सुश्री वाई एक्स की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, कौन लगेगी, पत्नी लगेगी, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो आपका आज का ये सेट कंप्लीट होता है, वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि अभी तुरंत इसी सेट का मैथ होना है, ओके। चलिए आ जाइए, सभी लोगों का वेलकम है, और आप लोग आज कर रहे हैं सेट नंबर 26, बहुत कम सेट बचा हुआ है, इसको जल्द से जल्द समाप्त करना है, तब जो है प्रीवियस जितना भी रेलवे का क्वेश्चन हुआ है उसका एक सीरीज चलने वाला है जो आ चुका है किताब 3250 वाला। चलिए पहले इसको देखा जाए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या किसका वर्गमूल होगा जो वर्ग संख्या नहीं होगा। ये देखो ये 35 का स्क्वायर होता है, 30 पचास ये 6 5 3 55 का स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यही क्या होगा, इसी का वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला आ जाओ, एबीसी में एबी बराबर 12 कोने आंतरिक बीसी को द्वी पर काटते हैं, द्विभाजित किया जाता है, बीडी 7 सेंटीमीटर, डीसी इतना, तो सीए की लंबाई, ये समद्विभाजक वाला नियम लगता है। एबीसी में एक दिया हुआ कोने का आंतरिक द्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है, इसको डी पर मिला है, ये द्विभाजक है, तो द्विभाजक रहता है तो नियम पता है, इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो के बराबर होता है, ए बी 12 है और बी डी 7 है और डी सी 8.75 है, इसको ये इंडिकेट करेगा, इसको ये इंडिकेट करेगा, तो ए सी पूछ रहा है, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 का वैल्यू 12 तो इतना कितना 12/7 गुना कितना 8.75, बस काट दीजिए 7 से काट दीजिए, 7 से एक बार में 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35 125 × 12 125 मतलब 5/4 5 × 3 = 15 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये द्विभाजक का नियम याद रखना है, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी होता है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, इतना का मान पूछ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं या उसको टेन में बदल करके काम भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसे लिखिए, दिक्कत क्या है, टेन थीटा दिया हुआ है यानी लंब बटे आधार 1√5, तो ये दिया होगा कितना 5 1√6 ये हो गया ना, हमको कहा था कॉसेक स्क्वायर थीटा कर्ण बटे लंब यानी ये हो जाएगा 6 − sec² θ यानी 6/5, 30 में से 6 = 24/5 24/5 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, यदि इतना किलोग्राम घी का मूल इतना हो तो समान गुणवत्ता कितना किलोग्राम घी का मूल कितना होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका निकालना, इससे भागा इससे गुना 12 525.92 बटे 24.2 गुना 8.5 गुना भाग खाली है और कुछ नहीं, बढ़ते चलो, कहता 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है मूलधन, यहाँ मिलेगा 8 + 24% यहाँ मिलेगा 9 × 18% दोनों में अंतर दिया हुआ है, 24 और 18 में कितना का अंतर 6%, 6% का वैल्यू 90% निकाल दीजिए, 15 × 6 = 90 1570 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आई, इतना का 18% डैश का 54%, यहाँ एक्स लगा दो बराबर कर दो काट दो हो गया काम, 18 से 3 बार में 3 से 20 बार में 20 आपका उत्तर हो गया, कहता है इसमें एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 है तो एक्स का अंक कितना है, कहता है वाई जेड एक साथ 50 अंक प्राप्त करता है, तो वाई जेड का अगर वैल्यू हमको पता चल जाए एक साथ वाई जेड का तो एक्स तो निकल जाएगा, मतलब पहला तो सही निकल जाएगा पहला से ही, एक्स जेड का साथ एक्स और जेड एक साथ 60 अंक प्राप्त करते हैं, एक्स जेड के पता होने से हम एक्स का मान नहीं निकाल सकते, ये नहीं दे पाएगा, केवल एक सही होगा, एक और दो दोनों एक साथ दिए गए उत्तर देने के लिए एक अकेला पर्याप्त है, जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए,
कहता इतना बराबर वन तो इतना का मान ज्ञात करे, तो ये के रहता है, ये अगर के रहता है तो ये क्या होता है, के क्यूब और माइनस थ्री के, तो एक है तो एक का क्यूब माइनस तीन गुना एक, तो माइनस दो हो गया, माइनस दो में टिक लगा दीजिए। अगला है ये, फिर से कथन है, 16 में कंपनी एक्स में 2014 के मुकाबले लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या है। वक्तव्य, कथा 16 में कंपनी एक्स में 2014 के मुकाबले लाभ में प्रतिशत, तो 2014 का पता रहेगा तब हमको 2016 में निकल जाएगा। 14 में कंपनी के 1,00,000 जो 15 में 10% अधिक था, 14 में 1,00,000, चलो 16 में कंपनी का लाभ 2,00,000 था जो 2014 में 1,00,000 अधिक था, 14 में 1,00,000 अधिक था, जो भी है यहाँ से अगर 14 में कंपनी का लाभ 1,00,000 था जो 15% से 10% अधिक था, ठीक है, फिर कहता 16 में कंपनी का लाभ 2,00,000 था, तो 14 से 16 अगर निकाल दें, यहाँ फिर 14 जो 1,00,000 अधिक था ये देने की ज़रूरत नहीं है, जब 14 में लाभ 1,00,000 था, 16 में लाख 2,00,000 था, तब तो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर ऐसा तो इसका ज़रूरत है, दो नंबर का, लेकिन दूसरा में दूसरा लाइनिंग जो है वो गड़बड़ है, दूसरा का दूसरा लाइनिंग जो है वो नहीं होना चाहिए क्या। ये लाइनिंग जो है ना, ये लाइनिंग थोड़ा सा इसमें उल्टा दिया है, फिर भी इसका 16 में कंपनी का लाभ 2,00,000 था जो 2014 से 1,00,000 अधिक था, अब वहाँ कहिए रहा है जो 14 में 1,00,000 है, तो ये लाइन कहने की ज़रूरत है, अगर ये लाइन नहीं लेंगे तो 1,00,000 अधिक था, इससे तो पता नहीं चलेगा 14 से 1,00,000 अधिक था। हाँ चलो ये हो जाएगा, देखो कहता है 2,00,000 था जो कि 14 से, हाँ हो जाएगा काम, देखो क्या कहता है, ऐसे ना लाइनिंग घुमा के देता है, कहता है 2,00,000 था जो कि 14 से 1,00,000 अधिक था, मतलब यही चीज को ये कह रहा है, तो 2014 में 1,00,000 का 2016 में 2,00,000, 1,00,000 है ये 2,00,000, तो 1,00,000 है 2,00,000, तब तो 100% वृद्धि ये तो निकल ही जाएगा, और वही कहता लाभ में प्रतिशत, ये तो 2 तो दे देगा एकदम। यहाँ पर देखिए 14 में 1 था, 15 से 10% अधिक था, तो इससे हमको 16 का पता नहीं चलेगा, इससे तो चलेगा या तो 1 या 2 पर्याप्त है, नहीं 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, नहीं 2 अकेला पर्याप्त है, 2 अकेला है, 2 अकेला पर्याप्त है, नहीं 1 अकेला नहीं, 2 अकेला पर्याप्त है, 2 अकेला पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज का थोड़ा हेर फेर है। अगला चलो, यहाँ क्या है, अर्निंग पर डे रविवार से शनिवार तक दिया गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन कहता है रविवार सोमवार मंगलवार बुध गुरु शुक्र शनि के दिए हुए ग्राफ के आधार पर आमदनी में अंतर सबसे अधिक डैश के बीच था, आमदनी में अंतर जो है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जहाँ वर्टिकल रहेगा, यहाँ देखो ज़्यादा वर्टिकल है, तो यहाँ तो 400 का है, यहाँ 400 का है, और देखो यहाँ पे 400 का नहीं होगा, यहाँ 300 से 600 नहीं है, यहाँ से यहाँ देखो तो 300 से 350 तब भी नहीं है, यही होगा रविवार से सोमवार, रविवार और सोमवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलो, कहता इतना लंबी स्टील की एक छड़, इतना सा लंबी छड़ काट दी गई, बचे हुए छड़ की लंबाई ज्ञात करें, इसमें से इसको घटाना है, इतना लंबी स्टील की एक छड़ से इतना लंबी छड़ काट दी गई तो बचे हुए छड़ की लंबाई ज्ञात करें, इसमें से इसको घटा देना है, लेकिन ये तो 20 ही है, वो 56 है, तो माइनस में आ जाएगा, उल्टा सीधा दे दिया, माइनस देना चाहिए, यहाँ 56.1/5 छोटा में से बड़ा कैसे कटेगा, 20.3/20 3/26 ये होना चाहिए, इसको अगर घटाता है तो 56 में से 20 गया 36, और इसमें से इसको घटाएगा 26 में से 15 गया 26 में से 15 तो 11/26 5 130
छत्तीस ग्यारह एक सौ तीस, छत्तीस ग्यारह एक सौ तीस, लेकिन इसमें से नहीं कटेगा, इसमें से ये कटेगा, इसमें से ही ये उल्टा दे दिया है, तब तो माइनस लग जाएगा सवाल में। अगला, मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, हालांकि मयूरी अकेले काम करने के 2/5 भाग पूरा करने के बाद छोड़ देती है और फिर मुग्धा कार्य करना शुरू करती है, कुल 39 दिन लगता है, मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से, ये कार्य बताए थे ऑप्शन से बनाने वाला, ऑप्शन वाला ये सवाल है, ये ऑप्शन से बनाने वाला सवाल है, जो दोनों मिलकर के 18 दिन, मतलब इसको मुग्धा को ए मान लेते हैं, मयूरी को बी मान लेते हैं, यानी ए गुना बी बटे ए प्लस बी, ये दिया गया है 18 दिन, और फिर कहता है ये मयूरी जो है 2/5 काम करती है, यानी बी, बी जो है 2/5, आ ए मानो ना, इसी को ए मानो, क्या जरूरत है, जो पूछ रहा, खैर कोई भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, बी का 2/5 प्लस ए का शेष कितना होगा 3/5, ये कितना होना चाहिए 39 दिन होना चाहिए, 39 दिन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो है हमको पूछा क्या जा रहा है, हमको कहता है क्वेश्चन में मयूरी ने मुग्धा की तुलना में इतना, तो मुग्धा को अकेले, मुग्धा मतलब क्या, ए का मान, ए बराबर व्हाट, यही सवाल है, ए का मान क्या होगा, तो पहले तो 5 से कटना चाहिए, ये कटा ये नहीं, ये कटा ये नहीं, तो सबसे पहले तो दो ही ऑप्शन है, एक ये है एक ये है, तो हम देखेंगे दोनों मिलकर के 18 है और इसमें रखने पर कितना होना चाहिए 39। एक ठो बात बताना है, ये 18 ये 45, तो हमको ये दोनों का है और हमको ए पूछ रहा है, तो ये तो बी दिया होगा, ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन में सबका वैल्यू बी दिया हुआ है, ये सब ऑप्शन में बी है, तो ए का मान निकालेंगे, इसमें दो आदमी इसमें अकेला, तो दूसरा निकल जाएगा ना एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई से, 18 गुना 45 बटे अंतर 27, 9 3 27, 9 2 18, 3 से कितना 15, 15 2 30 ये हो गया, तो 30 कौन हो गया, 30 हो गया ए, ए का अगर 30 यहाँ देते हैं तो 18, और बी का यहाँ कितना है, बी का अगर हम 45 देते हैं 9 2 18 18 18 36 ये हुआ, तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए 18 गुना 30 बटे दोनों का अंतर 12, 6 2 12, 6 3 18, 2 से 15, तो ये आ गया 45, कौन आ गया 45, तो हमको ए आ गया 45, ए को 45 देंगे, 5 से 9 3 27 ये हो जाएगा, और बी लेंगे 30, तो 5 से 6 2 12 ये हो जाएगा, 27 12 39 एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से बनाने वाला ये सवाल है। देखो एक तो 5 से कटने वाला दो ही ऑप्शन था, एक ये एक ये, अब इसमें जो है हमको किसके बारे में पूछ रहा, हमको पूछ रहा मुग्धा के बारे में, तो अगर हम ये मुग्धा लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं निकला, अगर ये मुग्धा लेते हैं तो मयूरी निकाल लिए, कैसे निकालेंगे, तो 18 में दोनों आदमी है, 30 में अकेला है, कौन मुग्धा, तो मयूरी निकल गया, ये मयूरी क्या किया एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई से 45, तो यहाँ पर देखो मुग्धा को यहाँ दिए, ये 45 जो निकला यहाँ पर रखे, ए के जगह 45 रखो और बी के जगह जो माने हैं वो 30 रखो, 30 और 45 रखने पर 39 आ गया, क्वेश्चन बन गया, तो ये ऑप्शन से ही बनाने वाला सवाल है, जल्दी बनेगा। कहता इतना को सबसे छोटी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो, तो दो सबसे तो कटबे नहीं करेगा, 6 से कटेगा, 6 3 18, 5 उसके बाद 68 6 8 6 14, ये इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इसी से कटेगा, 5 से 6 से लगाओ, 6 से 2 बार में कितना हो गया 12 3 पर 6 6 से, इससे भी नहीं कटेगा। कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, 2 से तब तो कटेगा, 2 से तो कट रहा है, 7 और बच गया 8 और बच गया 9, 789 भी किसी का नहीं है, 2 से 2 8 16, 1 2 9 18, 9 2 18, 8 2 9 16, 1 17, 2 8 16, 2 6 784 ना, 784 28 का स्क्वायर होता है, ये सही है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हो फिर से वही सवाल है, ये जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, इसमें क्या कहता है, दिए गए ग्राफ के अनुसार उच्चतम कमाई डैश को ही थी, उच्चतम कमाई कहाँ पर है, ये देखो कब है, उच्चतम कमाई कब है, गुरुवार को है, गुरुवार में टिक लगा दो, गुरुवार यहाँ पर टिक लगा देना है। अगला चलो,
कहता किसी घन के सभी किनारों का योग किसी वर्ग के परिणाम परिमाप का दोगुना है। किनारों का योग मतलब 12 को किनारा होता है, 12a1 बराबर परिमाप 4a2। कहता यदि घन के आयतन के मान का चौथाई, घन के आयतन मतलब a1³/4 का भासंख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के सांख्यिक मान के बराबर है यानी a2 का स्क्वायर, तो कहता है वर्ग की भुजा ज्ञात करें। a1 को हटाना है, a1 को 4 × 3 = 12, तो यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा a2/3। आ इसी को इसमें रख देते हैं, इसमें अगर रख देंगे हम इसमें a1 के जगह क्या रख दें a2/3, तो क्या हो जाएगा a2³/3 × 9 × 27 और a2³/3 × 9 × 27 आ यहीं पर 4 भी है बराबर a2 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया, एगो बचेगा a2, तो 108 हो जाएगा वर्ग की भुजा का मान, a2 बराबर 108 आ रहा है, a2 बराबर 108 है। एक बार और पढ़ लो, 12 वर्ग के सभी किनारों की का योग, तो 12a1 घन का किनारा 12 गो, कहता है वर्ग के परिमाप का दोगुना है। अच्छा वर्ग के परिमाप का दोगुना है, ये छूट गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, 2 यहाँ गुना 2 कर दो, यहाँ गुना 2 करेंगे तो 3 के जगह जो हुआ है तो यहाँ गुना 8 हो जाएगा, 8 होगा 2 × 4 × 8 तो 4 × 2 = 12 में हो जाएगा, a2 = 27/2 हो जाएगा, a2 = 27/2 यानी 13.5 ऑप्शन नंबर बी। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्यूशन कर दो, बस हो गया, यहाँ दोगुना छूट गया था, ये दोगुना है, बस सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं, सिंपल। ये स्टूडेंट दिया हुआ WXYZ और PCBM, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कहता है दी गई तालिका में विषय इतना, अधिकतम 100 है, 4 छात्रों के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत PCM और B को मिलाकर कितना अंतर है, 4 छात्रों के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत, 4 छात्रों में जो अधिकतम लाया है इसमें विद्यार्थी कौन है, तो ये सब्जेक्ट है, WXYZ विद्यार्थी है, देख लो। कहता PCM 4 छात्रों WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, 4 विषय दिया हुआ है, ये है विषय, ये है स्टूडेंट, यहाँ तो लिखने में इधर देना चाहिए सब्जेक्ट, ये दिया हुआ है स्टूडेंट। अब कहता है जो सबसे मैक्सिमम प्रतिशत है सबसे मिनिमम है उसका अंतर निकालना है, सब 100 का है, सब 100 का है, तो जोड़ के देख लो इसको, 8, 5, 13, 13, 13, 9, 22, 7, 29, 295। कहता है 8, 5, 13, 13, 9, 22, 6, 28, 1, 29, 290, ये हो गया 6, 2, 8, 8, 4, 12, 9, 21, 210, ये हो गया 9, 8, 17, 17, 4, 21, 6, 27, 275, तो मैक्सिमम ये हुआ मिनिमम ये हुआ, मैक्सिमम ये और मिनिमम ये दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहिएगा 85 का अंतर है। आ कई विषय है, 4 विषय है ना, तो बटे 400 × 100 करिएगा, इससे अच्छा है 4 से भागा दे देते हैं, 21.25 ऑप्शन नंबर डी, अगला चलो। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, लाभ 8% है, तो इसका क्रय मूल्य 108 हो गया, 2592/108 × 100 कर दो, हो गया क्रय मूल्य, क्या काम तमाम है। अगला चलो, एक कार 45 मिनट में अपनी मंजिल तक पर पहुंच जाता है, 65 किलोमीटर की चाल से चलती है, 36 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए, 45 मिनट में पहुंचता है जब 65 का चाल रहता है, तो 45 × 65 V1 T1 = V2 T2 36 × V, काटना है 9 × 36 = 9, 5 = 45, तो दशमलव में आ जाएगा और तो नहीं कुछ होगा, भी बराबर क्या हो जाएगा 325/4, तो ये हो गया 81.25 ऑप्शन नंबर डी, एक ही को दशमलव में है। आगे बढ़ो, दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग क्या होगा,
16 अंकों का योग क्या होगा? देखो आधा आधा करके बढ़ रहा है, यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से 1/2, तो 16 पदों का योग। तो S16 क्या होता है? N/2, यानी 16/2 इंटू 2A, 2 × A प्लस N-1, यानी 16-1 इंटू D, D कितना है? 1/2, यही हो गया योग, यही आपका क्या आ जाएगा योग, तो 8 हो गया। ब्रैकेट में 6 × 12 आ ये 12 आ प्लस 15/2 यानी 7.5, तो ये हो गया कितना 8 × अच्छा बटे में 2 भी दिया है ऑप्शन सब में, तो चलो 2 देने के लिए तब दशमलव नहीं देना है, तो यहाँ कर देते हम क्या 15/2, तो ये कितना हो गया 12 × 24 15 × 360, 8 × 360/2। प्रथम 16 पदों का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है 12 प्लस 15/2, ठीक है इसको कर दो 8 × 12 × 24 15 × 39 2 2 × 4 में नहीं 8 × 32 4 × 12 3 × 15 152 है 156 सॉरी 156 4 × 12 3 × 15 ऑप्शन नंबर सी। एपी का फार्मूला लगा दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वही फार्मूला लगा दिया। SN का फार्मूला याद होगा क्या होता है n/2, और भी नियम है n-1 इंटू d, ये वाला फार्मूला लगा दिए काम हो गया। अगला सवाल, यदि अंजू हिंदी में 80 में 68, गणित में 60 में 46, विज्ञान में 90 में 74 और अंग्रेजी में 45 में 34 अंक प्राप्त करती है तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में प्राप्त हुए? अब लगभग देखिए इसमें जो है 80 में 68, 80 में 68 64, 80% प्लस है, 80% प्लस है, 8 × 48 80% ये नहीं होगा, 48 हो जाएगा, 80% से 9 × 8 = 72 थोड़ा ज़्यादा है, वो 4 ज़्यादा है, 80% प्लस 4 है यानी लगभग आप कहिएगा 85, 80% हो गया कितना 64, 4 है 4/80 4, ये लगभग 85% के करीब है, निकालिएगा तो 85 आ ही जाएगा, 20 से 4 20 से 5 4 से 17 85, हम तो लगभग किए जो 80% प्लस, तो ये कहाँ चल गया, ये चल गया 85%। यहाँ देखिए 80% से थोड़ा सा ज़्यादा, 80% से थोड़ा ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा, 45 में 34 यानी 90 में 68, 90 में 68 यानी 68/90 × 100, इसको आप करिएगा तो 68 मतलब 80% के करीब नहीं जाने वाला है, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 80 नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, तो अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में है? यही हिंदी में ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, 5/7 में निम्नलिखित में किस भिन्न को जोड़ने पर 1/1 प्राप्त होगा? तो इसका शेष जोड़ने पर होगा 2/7, 5/7 में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? तो 2/7, 3 × 6 3 × 7 = 21, यही है ऑप्शन नंबर बी। अगला, 4 सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया जाता है, ऐसे टुकड़े में 1 कोना है, यदि परिधि कितनी है और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल कितना है? ये देखिए इसके चारों कोना पर से काट लिया गया 1 1 सेंटीमीटर का, 1 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
ये आकृति त्रिकोण है कि वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोने से एक सेंटीमीटर टुकड़ा काट लिया गया, हर ऐसे टुकड़ा त्रिकोण काटा गया टुकड़ा काटा गया ऐसे, वहां त्रिकोण देना चाहिए, एक एक का काटा गया। अब बताइए 90 डिग्री होगा ये एक एक, तो ये कितना होगा रूट टू, ये भी होगा रूट टू, ये भी होगा रूट टू, ये भी होगा रूट टू। अब पूरा कितना है, चार है, तो ये एक एक, तो ये बीच का कितना बचा, दो बचा।
अब इसका अगर परिमाप कहेगा, इसका अगर परिमाप कहेगा तो देखिए तो दो दो चार दो छः दो आठ और चार रूट टू, आठ प्लस चार रूट टू। और इसका अगर एरिया कहेगा एरिया तो क्या करेंगे, वर्ग माइनस चार त्रिभुज, तो वर्ग क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा चार स्क्वायर और माइनस चार त्रिभुज एक बटे दो गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो गया दो, तो सोलह में से दो गया तो ये हो गया चौदह, तो एरिया हुआ चौदह, परिमाप हुआ आठ प्लस चार रूट टू, आठ प्लस चार रूट टू और चौदह, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक सम षटभुज और एक सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात, सम षटभुज तो छह भुजा और द्वादश भुज मतलब बारह भुजा, यही ना होना चाहिए द्वादश, तो कहता अनुपात क्या होगा, इसमें आंतरिक कोणों का अनुपात। अब आंतरिक प्रत्येक कोण की कुल कोण, ये तो क्लियर नहीं किया, अगर प्रत्येक कोण निकालते हैं, प्रत्येक कोण तो क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण एन माइनस टू इंटू एक सौ अस्सी या बटे एन होता है, यही होता है, तो छः माइनस दू बटे छः अगुना एक सौ अस्सी अब बराबर देंगे यहाँ बारह माइनस दू बटे बारह अगुना एक सौ अस्सी, तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ देखिए तो कितना हो गया चार बटे छः, यहाँ हो गया बारह बटे दस, छः दूना बारह और यहाँ दो से पाँच बार में, चार अनुपात पाँच है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला ही फार्मूला याद रहना चाहिए सब में, किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, फिर से वही सवाल है, तब देखना पड़ेगा कौन सा वर्ग संख्या है, नवासी जो है दो सौ नवासी होता है, उनतीस सौ सोलह ये तो चौवन का स्क्वायर है, दस सौ चौबीस ये बत्तीस का स्क्वायर है, ये और ये बच गया, चौवालीस सौ नवासी किसी का वर्ग होता है, चौवालीस सौ नवासी के लिए हमको कितना के पास, पच्चीस सौ अस्सी तो नहीं सत्तर उनचास सौ साठ छत्तीस सौ सड़सठ, सड़सठ का स्क्वायर करो तो सात सत्तर उनचास सात छः बयालीस आ बयालीस दोना चौरासी आ चार अट्ठासी आ छत्तीस आठ चौवालीस है, तो ये भी वर्ग है, तब कौन हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये वर्ग नहीं होगा, यही क्या होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। एक भिन्न को जब सात बटे तीन में जोड़ा जाता है तो उत्तर चार आता है, तो भिन्न ज्ञात करें, सात बटे तीन में क्या जोड़ेंगे जो एक आएगा, चार आएगा, तो तीन चौके बारह, तीन चौके बारह, पाँच जोड़ना पड़ेगा, तीन दो पाँच, यही होगा उत्तर, या उसमें से घटा लीजिए, चार में से सात बटे तीन को घटा लीजिए, ये भी हो जाएगा। अगला आइए, एक गोलाकार को, एक गोलाकार को एक बटे तीन के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़े हिस्से को एक शंकु में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को सिलेंडर में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है, शंकु के आधार की त्रिज्या के साथ सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात, शंकु शंकु और सिलेंडर, शंकु का एक बटे तीन पाए आर वन स्क्वायर एच बराबर है, तो एच एच इसको भी आर ए वन कर देते हैं, और कौन है, एक एक है शंकु दूसरा है सिलेंडर, यानी पाए आर टू स्क्वायर एच इसको भी क्या देते हैं आर टू, क्योंकि बराबर है बराबर। अब देखो कहता है बड़े हिस्से को शंकु में ढाला जाता है, शंकु बड़ा हिस्सा ये हुआ, तो ये होगा तीन है, ये होगा एक, बस इतना ही करना है, अब तो काट जाएगा पाए पाए गया आर वन क्यूब है, ये तीन जो है ऊपर चले जाएगा ना, आर वन क्यूब बटे आर टू क्यूब बराबर क्या हो जाएगा नौ बटे एक, क्योंकि ये तीन से गुना हो जाएगा, तो इसलिए आर वन बटे आर टू क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट नौ एक, क्यूबिक रूट नौ एक, ऑप्शन नंबर सी, क्यूबिक रूट नौ और एक, खत्म हो गया आज का सेट, आज का सेट में ज़्यादा क्वेश्चन था, तो ये आपका सेट नंबर 26 था जो कि इंडवा, मिलते हैं कल आपको सेट नंबर 27 के साथ, ओके मिलते हैं कल इसी टाइम पर। चलो बच्चे लोग तो देखते हैं हम लोग आज 26 नंबर सेट को, 25 शायद हो गया था, तो 26 नंबर सेट को देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें, और बहुत लाजवाब लाजवाब प्रश्न है बच्चे, इस सेट में लाजवाब प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है आपका पहला प्रश्न, कह रहा न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया है, तो न्यूलैंड्स की तालिका में देखिए
न्यूलैंड ने क्या किया, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, ध्यान में रखिए बेटा, न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक नियम, अष्टक नियम दिया, और अष्टक नियम दिया, और इस नियम में न्यूलैंड ने क्या कहा कि देखिए कोबाल्ट और निकेल को, कोबाल्ट और निकेल को इसने किसके साथ रख दिया, तो कोबाल्ट और निकेल को इसने रख दिया हेलोजन के साथ में, ध्यान में रखिएगा, कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया, ये याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो बच्चे राइबोसोम को, याद रखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, और ठीक है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा गृह, और यहां देखिए क्लोरोप्लास्ट को किचन, किचन कहा जाता है, किचन ऑफ सेल कहा जाता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कौन, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं, तो चूंकि बस स्थिर है, बस क्या है, स्थिर है, तो स्थिर है, बस स्थिर है, तो ये क्या है, तो विराम का जड़त्व है, किसका जड़त्व, विराम का जड़त्व है बच्चे, विराम का जड़त्व है, ध्यान में रखिएगा, विराम का जड़त्व, तो याद रखिएगा न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है, न्यूटन के गति का पहला नियम है, बस स्थिर है तो यह विराम का जड़त्व है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अगर संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो रॉकेट का चलना, ठीक है, फिर बंदूक से गोली का चलना, बंदूक से गोली का चलना, यह सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बंदूक से गोली का चलना, ध्यान में रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा, गोली का चलना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह ठीक है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इससे ही आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है, अच्छी बात है बच्चे, पवन की गति के लिए ठीक है घूर्णन गति आवश्यक है, सही है, एक ईंधन को पर्यावरण अनुकूल माना जाएगा यदि उसके दहन के उत्पाद गैर विषैले होंगे, यह भी सही है, ठीक है, कोयला O2H2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है, तो बच्चे कोयला जो है ठीक है, कोयला जो है आपको ध्यान में रखिएगा, यहां देखिए पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है, चक्रण घूर्णन गति जिम्मेदार है, तो यहां केवल आपको एक ही सही लग रहा है, ए और सी गलत है बच्चे, कोयला जो है वो किसका बना होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक के बने होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कथन ए और बी सही गलत बात है, कथन ए सही गलत बात है, कथन बी सही है, कथन ए और सी क्या है गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर होगा, ध्यान में रखिए बच्चे, पृथ्वी की घूर्णन गति आवश्यक है, चक्रण गति नहीं, घूर्णन गति आवश्यक है पवन की गति के लिए, और दाबंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दाबंतर, प्रेशर डिफरेंस होगा तभी जाकर के आपको क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ठीक है आपका जो पवन है वो गति करेगा। नेक्स्ट देखिए, कली चूना डैश बनने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, बच्चे कली चूना यानी कली चूना का मतलब क्या हुआ, ठीक है कली चूना का मतलब क्या हुआ आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कली चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, कौन सा लाइम हो गया, स्लैग्ड लाइम हो गया बच्चे, स्लैग्ड लाइम हो गया, और आपको पता होनी चाहिए कि बुझा हुआ चूना पर जब हम क्या करेंगे ठीक है जल की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम या ठीक है कली चूना बन जाएगा, तो बुझा हुआ चूना हो गया। चूना पत्थर क्या होता है, तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 998 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाने के लिए खर्च की गई है, द्रव्यमान की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो बच्चे आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, आपको h निकालना है, तो h बराबर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बटे क्या mg, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 9800, एम का मान कितना है 80, गुना कितना 9.8, तो बच्चे ये पॉइंट उड़ाते हैं यहाँ 10 दे देते हैं, 98 से काट दीजिए 100 बच गया, यहाँ पर ये सुनना काट दीजिए क्या बचा, तो 100 बटा 8 बचा, तो 12.5 मीटर हो गया, कितना मीटर ऊंचाई पर, तो आपको 12.5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाएगा, कितना मीटर ऊंचाई तक, 12.5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाएगा।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन है? तो बच्चे ये क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया होगा। साइनोबैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया? तो साइनोबैक्टीरिया, ध्यान में रखिए बच्चे, प्रथम, ठीक है, प्रथम आपको जो जीव है वो ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, या आप क्या कहिए, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या आद्य जीव है, ठीक है, पृथ्वी पर यही जीव सबसे पहले, साइनोबैक्टीरिया या आद्य जीव बोलते हैं इसको, यही आपको क्या हुआ, आद्य जीव कहा जाता है, यही सबसे पहले, ठीक है, का आपको पृथ्वी पर क्या हुआ, O2 का उत्पादन किया था। किसका उत्पादन? तो O2 का, ऑक्सीजन का उत्पादन किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में किसमें नोबल गैस रखा जाता था? 18वें वर्ग में, 15वें वर्ग में किसको रखते हैं? नाइट्रोजन वर्ग है ये, नाइट्रोजन वर्ग, निक्टोजेंस कहते हैं इसको, नाइट्रोजन वर्ग, या इसको कहते हैं निक्टोजेंस, निक्टोजेंस कहते हैं, निक्टोजेंस कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 16वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस कहते हैं, चेल्कोजेंस कहा जाता है। 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? हेलोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, करा मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, एकदम सही है, जिसमें 42 21 जोड़े ऑटोसोम, नहीं बच्चे 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ा या 44 ऑटोसोम्स, और दो जोड़ियां, गलत बात है, एक जोड़ी जो है वह, ठीक है, लिंग गुणसूत्र होता है, ये गलत हो गया। डीएनए दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह दोहरी, ठीक है, पेचदार संरचना बनने वाले दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशाओं का से बना होता है, एकदम सही है बच्चे। तो ये देखिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, किसका बना होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो ये बातें सही है, आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, जेनेटिक्स का को जेडी वाटसन ने, बच्चे वाटसन नहीं नहीं ठीक है, जोहानसन ने सबसे पहले, ठीक है, जोहानसन ने सबसे पहले वर्ड यूज किया था जेनेटिक्स का, ये ध्यान में रखना है बच्चे, वाटसन ने नहीं किया था। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिसने 1801 एक जीन को विरासत के रूप में देखा, नहीं बच्चे, मेंडल ने, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक, मेंडल को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर होगा कौन सा आपको? बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, 820 हर्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में इतना है? तो बच्चे आपको समय निकालना है, ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? तो आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, हमको क्या निकालना है? तो तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो सी बटे एन हो गया। सी का वैल्यू कितना है? तो बच्चे 420 है, 420 बटे कितना? तो 820 है। तो ये काट दीजिए और इसको भागा दे दीजिए 8 × 5 = 40, लगभग 0.52 मीटर हो जाएगा, 0.52 मीटर के आसपास हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा? तो बच्चे यूनिट विद्युत खपत बराबर क्या होता है? यूनिट विद्युत खपत, ध्यान दीजिएगा, यूनिट विद्युत खपत बराबर क्या होगा? तो यूनिट विद्युत खपत बराबर होता है पावर गुना एन गुना टी बटे 1000, पावर गुना एन गुना टी बटे क्या? 1000। तो 100 वाट का बल्ब है, कितना बल्ब है? एक बल्ब है, 5 घंटे जलते हैं, 3 दिनों में निकालना है बटे 1000, निकाल लीजिए बेटा, ये जीरो काट दीजिए, 5 × 10 और 3/2 यानी 1.5 यूनिट विद्युत खपत होगा, 1.5 यूनिट या 1.5 किलो वॉट आवर ऊर्जा खपत होगा, ये 1.5 यूनिट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, एक एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम्ब/सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब/सेकेंड हो जाएगा, इसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है बेटे? तो कूलम्ब है, ठीक है। वॉट क्या है? शक्ति का मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वॉट है। जूल जो है यह क्या है? तो उष्मा, फिर क्या? ऊर्जा, फिर क्या? कार्य इत्यादि का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है, मक्खन का खट्टा होना, ये देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। खट्टा होना, जैसे ही खट्टा होगा केमिकल रिएक्शन होगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। मक्खन खट्टा कब होता है? तो मक्खन के ऑक्सीडेशन से मक्खन खट्टा हो जाएगा, मक्खन का क्या होगा? ऑक्सीकरण के कारण मक्खन खट्टा होता, ऑक्सीकरण के कारण
मक्खन खट्टा होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीकरण के कारण मक्खन क्या होगा? खट्टा होगा। आयोडीन क्रिस्टलों का उत्पादन, तो ये ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? तो बच्चे आघात वर्धनीय कौन नहीं है? तो आघात वर्धनीय कौन नहीं है? तो ग्रेफाइट आघात वर्धनीय नहीं है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, अधातु है। चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, ये तीनों क्या है? तो ये धातु है। क्या है? धातु, धातु है। और पीट पीट कर चादर बना सकते हैं, पीट पीट कर इसका क्या बना सकते हैं? चादर बनाते हैं, चादर बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, चादर बनाते हैं, पीट पीट कर चादर बनाते हैं। और ये आघात वर्धनीय होगा, होगा विकास कुमार जी, होगा रीजनिंग का क्लास, टेंशन मत ले बेटा, आज भी होगा ही होगा। चलिए, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित, हर दिन क्लास होता है और टीचर का तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ से होगा बेटा? ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत बात है। ये क्या होगा? स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है। होगा क्लास विकास कुमार जी, सब क्लास होता है जी। सार्वभौमान वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर करता है, ये भी गलत बात है। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम, जी का एसआई इकाई है। देख लेते हैं, जी बराबर क्या होता है? एफ आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू। तो एफ आर स्क्वायर क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम। तो ये सही है बच्चे। पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों एम वन और एम टू जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है के मध्य आकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, स्थित द्रव्यमानों एम वन जो एक दूसरे से r दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण, हाँ बेटा सही है ये आंसर, ये भी सही हो गया। तो यहाँ क्या क्या सही होगा? बी तो पक्का सही है, बी पक्का सही है। चलिए इसको नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ए सी डी, ए सी डी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, असत्य है। तो ये देखिए बेटा, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों, तो ये भी आपको क्या है? सही है। कह रहा असत्य पूछ रहा है ना, सत्य की बात नहीं कह रहा, असत्य पूछ रहा है, असत्य कौन है? तो सब आपको सत्य है। जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं आपको असत्य है बच्चे। तो ऑप्शन जो है ये गड़बड़ है, ऑप्शन, ऑप्शन सेटिंग इसका गड़बड़ है। एक मन से क्लास लिए हैं, नहीं हो रहा है सर, ये मान नहीं सकते हैं बच्चे लगातार। ठीक है, रीजनिंग वाले सर क्लास ले रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है, ठीक है, क्लास रेगुलर चल रही है बच्चे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉल करें, विकास कुमार जी आप ऑफिस के नंबर पर कॉल करें, लगातार क्लास हो रहा है बेटा, हो सकता है आप में कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? स्थिर अनुपात का नियम, ध्यान दीजिएगा, स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ बप्टिस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने आपको इसका नियम दिया था। देखिए, चार्ल्स ने क्या दिया था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिया था। लेबोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था लेबोजियर ने। और रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है, वी प्रोपोर्शनल टू 1/p, ठीक है, सिद्धांत दिया था, यानी आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विकास कुमार जी आपसे गुजारिश है कि आप जो है वह, ठीक है, आपको जो इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल करके आप बात कीजिए। ठीक है, एक महीने से चल रहा है क्लास। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे समूह के तत्वों को अल्कली धातुएं कहते हैं, एकदम सही है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, अल्कली धातुएं कहते हैं। देखिए, प्रथम समूह के तत्व को अल्कली धातु और द्वितीय समूह के तत्व को, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ये गड़बड़ हो गया, दोनों गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा कर दिया है। 17वें समूह के तत्व को हेलोजन कहा जाता है, ये आपका सही है। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। देखिए बच्चा, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व जो है ये क्या हुआ? तो क्षार धातु होता है, क्षार धातु, अल्कली मेटल्स, क्षार धातु या अल्कली मेटल्स। सेकेंड ए वर्ग का तत्व ये क्या होगा? तो बच्चे, सेकेंड ए वर्ग का तत्व होता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु होता है। और 17वें वर्ग के तत्व को हेलोजन बोलते हैं, मृदा धातु कहते हैं। देखिए, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है बच्चे। ठीक है,
यहाँ साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है, जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन्स ये क्या होता है, तो जिब्रेलिन्स जो है बोना को लंबा करता है, बोना को लंबा कर देगा, बोना को लंबा लंबा करेगा। साइटोकाइनिन आपको कोशिका विभाजन से लंबा करता है। ऑक्जिन्स जो है, ऑक्जिन्स क्या करता है, तो ऑक्जिन्स जो शीर्ष वृद्धि करता है, शीर्ष वृद्धि करता है, ध्यान में रखिएगा, शीर्ष वृद्धि करता है, यानी शीर्ष को ठीक है वृद्धि करने में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक तत्व है, सोडियम एकल परमाणुक तत्व है, ठीक है, आर्गन ये भी एकल परमाणुक तत्व है, सल्फर जो है एसआईट होता है बेटा, बहुपरमाणुक तत्व है, और ऑक्सीजन O2 होता है, द्विपरमाणुक तत्व है, तो आंसर क्या होगा आपका, सल्फर हो जाएगा एसआईट। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करता है, ध्वनि की पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर, याद रखिएगा, पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, आवृत्ति का, आवृत्ति जितना अधिक होगा पिच ऑफ द साउंड उतना ही अधिक होगा, और ध्वनि पतली होती है, ध्वनि क्या होगा पतला, पतली ध्वनि होती है, पतली, ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी आई बराबर होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम हो गया, यानी जूल, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड हो गया, या वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये किसका मात्रक हो गया, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ये आज का सेशन है बच्चे, लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।